राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रेणी ऋषि को पुत्र कामी की यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा कश्यप को चार पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सभी साथ साथ ही सभी विद्याओं में पूरा था। महर्षि विश्वमित्र तो दान प्रवृत्ति की मारी और सुबाह उपद्रव मचाते ऋषि मुनियों को आतंकित। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वमित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा कर ना सके उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दिया। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो रही थी कि ककई की दासी मंथरा ने ककई के कान भरने से ऊपर दिए। ककई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने दो वरदान दिए हुए हैं जिसके बल पर ककई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। ककई ने वो ही किया जो मंथरा ने सुझाया। राजा पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, मानवता की रक्षा हेतु मार्ग ने कई राक्षसों का संहार करते हुए तीन पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित चुर नगर ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शुभनखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसी नाक काट डाली। शुभनखा ने रोते चिल्लाते राम के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए राम को भड़काना शुरू कर दिया। रोहित राम ने सीता हरण की योजना बना ली। राम ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मन शरीर की आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता ने लड़की को दिया। के बाद मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े वन से श्री राम जैसे स्वर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेख खींच लेते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लाने, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहे। लक्ष्मण के जाते ही राम भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचा है और अवसर मिलते ही सीता मैया का हरण कर लेता है। आकाश मार्ग में दुष्ट राम को राम वृद्ध जटायु में जब रोकने का प्रयास किया तो राम ने जटायु को पूरी तरह से घात कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर
श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में टूट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते रानी जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की कथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का पीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाती बताते हैं कि मां सीता को राम दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महान भाई जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को एक राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षस स्थिर हो गए और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान राम पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उस आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशान के तौर पर चूड़ा मणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। दूसरी ओर लंका धन से सारे राक्षस डरे थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। राम के भाई विभीषण ने राम को कई प्रकार से समझाया बिठाया कि प्रभु राम भगवान है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका विरोध छोड़ो और सीता माता को सम्मान सहित लगा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ देने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राजतिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और नील को बुलाकर पुल का निर्माण शुरू करवा दिया। सेतु तैयार हो गया। श्री राम की सेना युद्ध के प्रस्थान को चल पड़ी। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वानर भालू की सेना ने आक्रमण कर दिया। वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह को मसल दिया। इधर लक्ष्मण मेघनाथ के ऊपर मेघनाथ ने घुराकर वीर खातने शक्ति चला जो लक्ष्मण की छाती में लगी और वो मूर्छित होते पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में गया। जामवंत के कहने पर लंका के भाई सुषेण को बुलाकर उन्होंने पर्वत और कौशल का नाम बताकर हनुमान को निलाम के लिए भेजा। वो पर्वत पर पहुंचे किंतु औषध न पहचान पाने पर पूरा पर्वत उठा उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से राम मन ही मन भयभीत हुआ, कुंभकर्ण को जगाया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर राम के पास जा गया और दौड़ते भागे श्री राम ने दो टुकड़े कर दिए। राम विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवश्यक हो गया। लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मार गए। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला।
राम के वचन तुल्य शरीर में किसी पर वृक्ष बाण के प्रहार का असर नहीं होगा। निशाचरों और बांधों की सेना भयंकर गर्जन करके भी फैलने लगी। किसी प्रकार के प्रहार का राम पर प्रभाव न होगा, वो फिर उठ रहा होगा। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि राम के नाभ कुंड में अमृत का निवास है जिससे वो जीवित है। श्री राम ने राम का धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सोख लिया, सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ।